लेकिन पापा जी मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, ऊपर से आप पढ़ाई छुड़वाने को बोल रहे हो। सुशीला ठीक ही तो कह रही है, इस तरह से छोरियों की पढ़ाई छुड़वाना ठीक ना है, छोरियों का पढ़ाई करना भी तो जरूरी है। हाँ भाई साहब, एक ही सेमेस्टर बचा है, पढ़ाई तो पूरी कर ही लेने दो भाई साहब, और फिर मैं हूँ कॉलेज में निगरानी करने के लिए इनकी। हाँ। तेरी निगरानी तो देख ही चुका हूँ प्रोफेसर, दो पिद्दी सी छोरियां संभाली ना जाती तेरे से। ठीक है चले जाना कॉलेज, पर तुम लोगों का आना जाना शिशुपाल के साथ ही होगा, अकेली कहीं ना जा सकोगी तुम, समझी? अगर पापा गरिमा दीदी और सुशीला दीदी को लेकर जाएंगे तो काटिला लाइसेंस कैसे चलेगा? चलो तुम लोगों की बात मान ली मैंने, अब तुम लोग भी जवान दो, चुपचाप शादी करोगी, इसके बाद मैंने कोई बहस ना करनी, ठीक है? गरिमा जी पापा। यूके ये कैसी डील की तूने? कॉलेज के पुतले शादी? मैं कुछ सोच लूंगी बाद में, अभी पापा कॉलेज के लिए मान गए ना तो चुप रहे प्लीज। ताऊ जी अब से मैं ना गरिमा दीदी सुशीला दीदी को कॉलेज लेके भी आ जाऊंगा और छोड़ के भी आ जाऊंगा बोथ। और दुकान किसके हवाले कर देगा, गुंडो सत्तू के? रे अब वो तेरे नौकर ना है, ऐसा नहीं चलेगा, तू घूमता फिरता ऐश करता रहे और वो दोनों काम करते रहे, अब वो इस घर के दामाद बनने जा रहे हैं, तेरे जिज्जाजी बनने वाले हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी तुझे, समझा? हाँ लंगर खोल रखा ना हमने, सेवा करनी पड़ेगी ना। मैं न्यू कह रही थी भाई साहब कि ये गुन्नू सत्तू रिश्ते के लिए मानेंगे, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। नहीं मतलब इतनी बेइज्जती करी है आपने उनकी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो हाँ करेंगे। पहली बार चाची के मुंह से निकली ढंकी बात, जिसको सुन के मैंने कर दिए उनके सारे गुना अम्मा। तू ना गहरी गहरी सांस ले, इनहेल एक्सहेल, काम होने से पहले खुश हो जाती है और फिर काम खराब हो जाता है। लगा उस गुन्नू सत्तू का फोन। फोन लग ना रहा है ताऊ जी। रे कोशिश करता रहे। यस आपकी भतीजों के ना चादे फिक्स कर दिए भाई साहब ने, और आपका वोट भी नहीं मांगा, न्यू भी नहीं पूछा कि भाई शिशुपाल तेरा क्या विचार है, एक दिन ऐसे पुत्तों की शादी फिक्स कर देंगे और मैं और आप सिर झुकाए बस उनके आगे का पालन कर रहे होंगे। तेरी स्टोरी का कोई बेस ही ना है, मैं भाई साहब को तब से जानता हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सारे फैसले सोच समझ के लेते हैं भाई साहब, इसलिए अपनी मनगढ़ंत कहानियां बंद कर और अपनी भतीजियों की शादी एंजॉय कर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई आइटम सॉन्ग तैयार कर ले। अपना तो मैं देख लूंगी लेकिन आपके लिए गाइडन जरूर तैयार है, नागिन डांस। मैं तेरी दुश्मन और दुश्मन तू मेरा। ना क्यों थरथड़ी मचा रखी है तने, शादी गरिमा और सुशीला की तय हुई है सत्तू और गुन्नू के साथ, तन्ने क्यों सारी दुनिया अपनी दुश्मन लग रही है? तो यह बात ना आप ही समझ में आ जाती ना तो खुद ही प्रोफेसर बन चुके होते, हर चीज क ख ग से समझानी पड़ती है। बड़बड़ कर रही है, आप इधर बैठो बैठो। आप ना मुझे न्यू बताओ कि आजकल काटेला लाइसेंस का गल्ला कौन संभाल रहा है? पुत्तू। हाँ, और जो गल्ला संभालता है उसे क्या कहते हैं? मालिक। हाँ, अब जब गरिमा और सुशीला की शादी गुन्नू और सत्तू से हो जाएगी तो गुन्नू और सत्तू हो जाएंगे इस घर के दामाद। हाँ? यानी कि गल्ले का कंट्रोल हो जाएगा सिर्फ गुन्नू और सत्तू के पास, तो फिर सिंहासन की लड़ाई में मेरा पुत्तू तो बेचारा पीछे रह जाएगा ना। हाँ वो तो है, बस
तो मेरा पुत्र तो बेचारा स्लिप होके नौकर बन के रह जाएगा ना। और आप कह रहे हो कि मैं शादी के लिए आइटम तैयार कर लूं। ना मेरे एक बात समझ ना आ रही चंचल, तू करना क्या चाहती है? जब भाई साहब ने पुत्र को दुकान सौंपी थी तब भी तू टूटा कर रही थी कि मैं तो आईपीएस बनाना चाहती थी पुत्र को, भाई साहब ने ना ही बना दिया। अब जब उसको छुट्टी मिल रही है, पढ़ लिख के आईपीएस बनने का मौका मिल रहा है, तब भी तू टटर कर रही है। तू डिसाइड कर ले तू चाहती क्या है, सोच समझ के। मैं शाम को आके मिलता हूँ, मैंने कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे चाचा, मैं क्या कह रही थी, ये जो जल्दी जल्दी में फैसला ले लिया हमारी शादी का पापा ने, खर्चे का तो कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत ना है। तुम्हारा काम है खुश होकर शादी का मंडप में बैठना। शादी करो पर बाकी का ताम झाम बड़ों पे छोड़ दो। मिस रुहेल, मैंने तो अपना प्रॉमिस निभा दिया। नाउ इट्स योर टर्न। मेरे मॉम डैड आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो फिर आज शाम का प्लान करें? मैं उड़के ना जाऊं? मैं आपको उड़ना भी आता है? देखिए कितना कम जानता हूँ मैं आपके बारे में। आई गेस हम लोग ज्यादा मिले नहीं है ना इसलिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत ना है छोटा हड्डी, मैं आज नहीं आ सकती। ना ना, ये तो गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया ना आपने। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं आज शाम को आ रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं कल शाम को आ रही हूँ, और वो भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि उसी हिसाब से समोसे मंगवा के रखूंगा। वैसे आपको इमली की चटनी पसंद है या फिर पुदीने वाली? अच्छा, तो ये हवा में उड़ने का हुनर आपको भी आता है? सुशीला जी, आपको याद तो है ना कि मुझे गुन्नू और सत्तू का सच पता है, और जरूरत पड़ने पे आपके पापा जी को बता भी सकता हूँ। देखो छोटा हड्डी, समझने की कोशिश करो। मैं अभी अपने चाचा जी के साथ हूँ, तो मुझे खून ही नजरों से देखे जा रहे हैं। यार मैं भी ना अपने मॉम डैड की उम्मीदों के बोझ के तले दबा हुआ। एक काम करो ना, तुम मुझे वो लवी डवी वाले मैसेजेस भेजना शुरू कर दो। हे? हाँ, जैसे गुड मॉर्निंग जानू, गुड नाइट, स्लीप टाइट, स्वीट ड्रीम्स, मेरे पापू ने खाना खाया, मेरा सोना अच्छे से सोया, इस टाइप के मैसेजेस। कम से कम वो ही दिखा के मॉम डैड को यकीन दिला दूंगा कि शादी की तरफ मैंने पहला कदम बढ़ा दिया है। वो भी सुबह दोपहर शाम, ना प्यार भी दवाई की तरह लेते हो। प्यार भी एक मर्जी है मिस रुहेल। किसका फोन है? गुन्नू का है क्या? वो छोटा हड्डी का फोन था। पापा की दवाई डिस्कस कर रहे थे सुबह दोपहर शाम। ठीक है, जाओ क्लास में। एफडी तोड़ के बात ना बढ़ेंगी। एक तो सारी जमा पूंजी हॉस्पिटल के बिल में घुस गई, ऊपर से आजकल कमाई भी कम हो रही है। शिशुपाल ने तो पहले कॉलेज से अपना एडवांस उठाया हुआ है, और कहां से लाएगा बेचारा। और शादी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक शादी में बाप पैसे जुटाता है, माँ दुआएं इकट्ठी करती है, बेटियां सपने देखती है। देख हमारी छोरियों का ब्याह है जिसमें ना तो आपके पास पैसे पूरे पड़ रहे हैं, ना मेरे मन से सच्ची दुआ निकल रही है। और हमारी छोरी, उनकी खुशियों को तो जैसे किसी की नजर लग गई। न तू भी अब मने विलन कह रही कुसुम। अरे मैं मानता हूं गुन्नू सत्तू को मैंने चिराग लेके ना ढूंढा है, पर माता रानी पे भरोसा रख। मेरा अनुभव ये कहता है कुसुम, छोरे भले हैं, इनके पास हुनर है और काम भी जी जान लगा के करते हैं। तुझे मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये छोरे हमारी बेटियों को खुश रखेंगे। तो मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा की तरह इस बार भी आप ही सही साबित हो। कुसुम जी, मेरे खातिर एक काम करना, जब भी वो छोरे आ जाएंगे ना, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना। अगर उनकी आंखों में धोखा,
फरेब जालसाजी नजर आए ना तो मैं तुरंत ये रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। ना तो आप तसल्ली कर लेना, जितना प्यार ये दोनों बहनें आपस में करती है उतना ही वो दोनों इनसे करते हैं। बस मने एक ही चिंता सता रही है कि वो दोनों छोरे मना ना कर दें। उत्तू भी फोन ना उठा रहा है, कब से फोन कर रहा हूं, पता नहीं उन छोरों के मन में क्या चल रहा है। अगर गुन्नू और सत्तू ने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा। गरिमा दीदी और सुशीला दीदी आप दोनों को इतना पसंद करती है ये तो मुझे पता ही ना था। हमें भी कहाँ पता था, तो जगत ने पोस्टर छपवाया तब मैसेज मिला। पोस्टर? मैं समझा नहीं। अरे समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है फिट करी ब्रो, पहले अपना एक काम करो। वापिस चाय? नो भाई। समोसा? नो। ये सलून के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान है, लेके आओ। जब देखो तब सामान लाने भेज देते। पुत्तू पहली बार तेरी मम्मी ने ना कोई अच्छा आइडिया दिया है। गरिमा और सुशीला की बात पापा भले ही ना सुने पर गुन्नू और सत्तू वो तो उनके होने वाले दामाद है, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। फोन करके मना कर देते हैं। हाँ क्यों? बाबू सोनू मोनू कोनू ये दिल और फूल की इमोजी भी भेज देती हूँ सब में। खाना खाया जानू ने? मैं यहाँ हमारे जान बचाने की प्लानिंग कर रही हूँ और तो फोन पे टोनू टोनू कर रही है। अरे टेंशन ना ले बहन, वो एक कान मेरा तेरी तरफ ही, डॉक्टर को मैसेज भेज रही थी यार। अच्छा चल वो फोन करके मना कर देते पर ना मुझे तो लग रहा है कि सारी बाजार की आंखें ना मुझे ही घूर रही है। और मेरे फोन की बेल भी है ना ताऊ जी, काफी बार बजा चुके हैं, आई मीन लॉट्स ऑफ टाइम। एक बार कॉल बैक कर ही लेता हूँ वरना घर जाके वैन वोट बाई का जवाब देना पड़ेगा। ये गया कॉल। हेलो। हेलो वो पुत्तू सर ने हमें फोन करके बुलाया तभी हम यहाँ आए, वरना तो हम कल गॉड प्रॉमिस बोल के निकले थे कि कार्टेल एलन सन्स में कदम ना धरेंगे। और कार्टेल एलन सन्स क्या, हत्ती बाजार में भी कदम ना रखेंगे। वो मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया था, सॉरी। लास्ट में क्या बोला आपने, जरा रिपीट करना। यहाँ पे आपकी दुकान में नेटवर्क नहीं आता ना तो सुनाई नहीं दिया। मोबाइल वालों से बात करके हाथी बाजार में एक टावर ही लगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, बस वो लास्ट में जो बोला ना वो जरा रिपीट कर दो बस। वो तो सॉरी कह रहा था। हे जी? रे सॉरी कह रहा हूँ। अच्छा मैंने भी अति कर दी थी पर क्या करो, बेटियों का बाप हूँ। पर मैं यो कह रहा हूँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा भूल जाए मतलब पूरा का पूरा? हाँ मतलब जब आपने कहा था कि कार्टेल एलन सन्स छोड़ के चले जाओ वो भी भूल जाए। हाँ अच्छा मतलब अपने हमें कार्टेल एलन सन्स में वापस रख लिया। हाँ यो भाई साहब की गाड़ी तो हाँ हाँ पे अटक गई दिखे, कहीं ये छोरे आज ही दुकान अपने नाम न करा ले। अरे आप नौकरी की क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपके हाथ में अपने बेटियों का हाथ देना चाहता हूँ। अरे शादी कराना चाहता हूँ उनकी आपके साथ। थोड़ी मान जी भी कहाँ तक हेल्प करेंगे, इनकी ओवर एक्टिंग तो लेके डूबेगी, नेचुरल नहीं करते। अरे सर जी आप हमें कहाँ शादीवादी के चक्कर में फंसा रहे हो। हाँ और आपके बेटियों से हमारा कोई अफेयर अफेयर ना है, वो पता नहीं कौन से रूमर सुन लिए आपने। हाँ वो तो हमने बस एक दिन स्कूटी ठीक करवा दी थी उनकी, बाकी तो हम उन्हें जानती भी ना है। हाँ और ये शादी प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है। तो निकल जाओ काटे लालन सन से। सारे हाथी बाजार में मेरी बेटियों के साथ तुम्हारी फोटोएं लगी हुई है, स्कूटी पे पीछे बिठा के सारे शहर की गेड़ियां मार रहे थे और अब कह रहे हो नो प्यार नो शादी। तो फिर तुम्हें वहां पर काम करने की जरूरत क्या है? जब तक तुम लोग हाथी बाजार में नजर आओगे
लोग मेरी बेटियों के बारे में बातें बनाते रहेंगे। अरे नहीं नहीं सर जी, वो तो हम भी नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो। हम तो बस चाहते हैं कि हमें बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, मतलब सोचने के लिए। ठीक है, कल तक का टाइम ले लो। कल या तो अपने माँ बाप को लेके आओ या फिर नौकरी छोड़ के निकल जाओ। तुम छोरों ने मजाक समझ रखा है इसे। अब इसके बाद कोई भी बात मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ ही करूंगा, बस। एक दिन में नए माँ बाप कहाँ से पैदा करेंगे? ना फिर कंचू मंत्र तो ना होगी है छोरियां? भाई साहब ने मेरी क्लास ले लेनी है। अरे रुक जा चाचा चाचा। हाँ हेलो, क्रॉस कंट्री रेस लगा रहे हो क्या? आप क्यों रही है? रेस? ना चाचा, वो तो हम खड़े खड़े कपाल भाती कर रहे थे ना। वो योगा को हम अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको हाफना लग रहा है। चाचा आप पार्किंग में मिलो, हम वही मिलते हैं। ठीक है। क्लासरूम। अरे अरे वो गुप्ता सर ढूंढ रहे तुझे, कह रहे थे कि तूने मैथ्स टेस्ट पे 2 क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है। बता, 100 में से सिर्फ 98 मार्क्स मिल रहे हैं तुझे। क्या? हो ही नहीं सकता। कौन से 2 क्वेश्चन गलत हैं? वो तो गुप्ता सर ही बताएंगे ना। जा ढूंढ रहे तुझे। अरे तुम दोनों क्या करो, जाओ दोस्त की मदद करो। हाँ। जल्दी जाओ। क्या बात है ना, दिमाग कैसे, कौन से बॉक्स में ऐसी ऐसी आइडियाज जमा कर रखी है, वक्त आने पर फट से निकाल लेती है। हनुमान जी की कृपा है बस। सर सर, शिशुपाल जी नमस्कार, मैं आप ही का वेट कर रहा था। अच्छा, मुझे ना न्यू ईयर की पार्टी के लिए ना अपने कॉलेज का ना हॉल बुक करना है। अभी तो मैं निकल रहा हूँ यार, एक काम कर तू कल आ जा, बाकी हॉल बुक हो गया समझ। अरे सर, हॉल बुक करने की हाँ कर रहे हो, पहले पूछते लो प्लान क्या है। हाँ बता। न्यू ईयर की वेलकम के लिए ना एक बड़ी धमाकेदार पार्टी रखी है। और सर, पिछले साल ने वैसे भी लोगों को बहुत परेशान किया है ना, तो आपके हिंदी में क्या कहते हैं, नव वर्ष के आगमन में एक पार्टी प्लान करी है जिसमें मैं और प्रियंका ना डांस करने वाले हैं। ये मेरी भतीजियां हैं, गरिमा सुशीला, प्रियंका की क्लास में ही हैं, देखा होगा शायद। हाँ देखा तो है। सर एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने तो, आपकी फैमिली में ना कुछ झोल है, हैं? हाँ, मेरा मतलब है कि धर्मपाल जी आपके भाई नहीं लगते, इतने गुस्से वाले हैं, और ये मुंह फुलाई लड़की ना उनकी बेटी जरूर लगती है, मगर आपकी भतीजी नहीं लगती। अब जो भी है, आज इनकी जिंदगी का वेरी इंपॉर्टेंट डे है, इनकी शादी फिक्स हो गई है। हाँ, गुन्नू ने बताया था, गुन्नू और सत्तू के साथ ही हो रही है ना, और गुन्नू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी बारात मैं ही लेकर आऊंगा, देखना आप बस रेडी रहो। कंग्रेचुलेशंस। ये काला धागा तो मैंने गुन्नू के हाथ पे बांधा था, और गांठ का स्टाइल भी सेम है, ऐसे कैसे? गुन्नू ने दिया था मुझे। गुन्नू ने दिया था? हाँ, पर उसकी शादी तो सुशीला से हो रही है, और बांधने का स्टाइल भी सेम है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों दिया था गुन्नू ने मुझे? वो इसको नहीं, मुझे दिया था। ऐसे सेम टू सेम गांठ बांध के, वो दरअसल क्या है ना, बात धागे की नहीं गांठ की है। हाँ। तो मैंने इसको दे दिया ऐसे ही सेम टू सेम गांठ बांध के। वो क्या है ना, इसके प्यार को ना किसी की बहुत बुरी नजर लगी है आजकल। तुम्हारी बातें खत्म होगी हो तो चले भाई, तुम कल आ जाओ, हॉल बुक हो जाएगा। ठीक है सर, कंग्रेचुलेशंस, बाय। चलो तुम अपनी स्कूटी निकालो, मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ।
स्कूटी चला ले, मुझे और मैसेजेस भेजने। स्कूटी तो मैं चला लूंगी, पर मेरी लाइफ की स्कूटी ने चाचा ने जो ब्रेक लगा दी उसका के? अरे शादी अनाउंस कर दी, ये भी कोई बताने वाली बात है? एक खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, गुन्नू सत्तू काटेलाल एंड सन्स में काम करते हैं, पुत्तु के फास्ट फ्रेंड भी है, पर इसका मतलब ये ना है कि हम उनसे ठीक से पेश ना आए। जो भी हो, वो लड़के वाले, इसलिए हमें उनकी अच्छी से अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। क्या कहता है? बिल्कुल सही बात है भाई साहब। कुसुम, मैंने सिर्फ माँ बाप को ही बुलाया है, पर हो सकता है चाची, ताऊ, मम्मी कोई आ जाए साथ में, तो हमें तैयार रहना चाहिए। है? माँ बाप ताऊ ताई तो छोड़िए पापा जी, खुद गुन्नू सत्तू मंडप तक कैसे पहुंचेंगे पता नहीं, फिर कैसे निकले इस मुसीबत से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।